हेलो किड्स, हाउ आर यू? एंड हाय पेरेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर इन अ गुड कंडीशन. आप सब अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. फाइन. अभी हम लोग सोशल साइंस में व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज वी आर गोइंग टू डू द एप्टीट्यूड. सी, आई हैव गॉट अ बुक. आपकी जैसी बुक मुझे मिल गई है, राइट? सो वी आर गोइंग टू डू द एप्टीट्यूड. एंड टर्म वन में यू हैव टू लेसन्स इन एप्टीट्यूड. That is classification and ordering. Classification में क्या करना है आपको? Odd one out find करना है. आपको pictures दिए रहेंगे, उस pictures में से एक line में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से odd कौन सा है वो आपको find करना है. Odd मतलब जो बाकी चीज़ों से match ना करती हो, वो चीज़ें odd होती है, right? So it is known as classification. Now shall we start? क्या हम start कर सकते हैं? ओके, लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज द असाइनमेंट नंबर 15, पेज नंबर 19, एंड वी आर डूइंग असाइनमेंट नंबर 15 ऑफ क्लासिफिकेशन. दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ द लेसन. क्लासिफिकेशन चैप्टर में से ये फर्स्ट असाइनमेंट है. फाइन. ओके, नाउ नंबर वन. सी व्हाट इज इट. नंबर वन में क्या है हमारे पास? वी हैव एप्पल, बनाना, ब्रिंजॉल, चीकू एंड वी हैव मैंगो. सो ये पूरी लाइन में व्हाट इज इट? फ्रूट. एप्पल इज अ फ्रूट, बनाना इज अ फ्रूट, ब्रिंजॉल इज अ ब्रिंजॉल और यू कैन से एग प्लांट. ब्रिंजॉल इज अ वेजिटेबल, चीकू इज अ फ्रूट एंड मैंगो इज अ फ्रूट. सो सी, ब्रिंजॉल को छोड़ के बाकी चारों फ्रूट है ना, इजंट इट? सो व्हाट डू वी डू? वी सर्कल ब्रिंजॉल. व्हाई? बिकॉज सारे फ्रूट्स हैं और ब्रिंजॉल वेजिटेबल है, राइट? ओके, डिड यू गेट इट? शैल आई रिपीट इट वंस अगेन? मैं दोबारा बताऊं आपको. सी, एप्पल इज अ फ्रूट, बनाना इज अ फ्रूट, ब्रिंजॉल इज अ वेजिटेबल, चीकू इज अ फ्रूट एंड मैंगो इज अ फ्रूट. सो इस लाइन में सारे फ्रूट्स हैं सिर्फ ब्रिंजॉल को छोड़कर. सो ब्रिंजॉल इज द ऑड वन, तो आपको ब्रिंजॉल को सर्कल करना है. फाइन. नाउ नंबर टू. व्हाट डू वी हैव इन नंबर टू? वी हैव अ कार, अ बाइक, अ हॉर्स, अ स्कूटर एंड अ बस. सो वॉट डू वी सर्कल इन दिस? कार इज अ व्हीकल, बाइक इज अ व्हीकल, हॉर्स इज एन एनिमल, स्कूटर इज अ व्हीकल एंड बस इज अ व्हीकल. सो सारे व्हीकल्स हैं, ओनली हॉर्स इज द एनिमल. सो वी सर्कल हॉर्स, क्योंकि व्हीकल के लाइन में वी हैव एन एनिमल, राइट? फर्स्ट वाले में क्या था? फ्रूट्स की लाइन में वी हैड अ वेजिटेबल, तो हमने वेजिटेबल को सर्कल किया. सेकेंड में व्हीकल के लाइन में वी हैव एन एनिमल, सो हमने एनिमल को सर्कल किया. सो डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट व्हाट वी आर डूइंग? फ्रूट्स में वेजिटेबल को सर्कल किया in the line of fruits, then we circled animal in the line of vehicles. Now number 3, we have a pencil, eraser, pen, sharpener and a mobile phone. So what do we circle in this? Sari cheeze padhai likhai wali hai na, pencil, eraser, pen, sharpener, isn't it? But mobile phone, of course hum aajkal mobile phone pe padhai kar rahe hain. बट मोबाइल फोन से हम पढ़ाई नहीं करते हैं. वो मोबाइल फोन इज यूज टू कम्युनिकेट. हम एक दूसरे से बात करने के लिए मोबाइल फोन यूज करते हैं. सो व्हाट डू वी डू? वी सर्कल मोबाइल फोन. इट इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इजंट इट? ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नहीं है ना? सो व्हाट इज अ मोबाइल फोन? मोबाइल फोन इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इसको चार्ज करना पड़ता है तो ये चलता है. बट क्या इन सब में से किसी को चार्ज करना पड़ता है? पेंसिल चार्जिंग की ज़रूरत है?
नहीं है। इरेजर में चार्जिंग की ज़रूरत है? नहीं है। पेन में चार्जिंग की ज़रूरत है? नहीं है। शार्पनर में चार्जिंग की ज़रूरत है? नहीं है। सो मोबाइल फोन इज द ऑड वन आउट, राइट? डिड यू गेट इट? मोबाइल फोन इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नाउ नंबर फोर, वी हैव अ पैरट, रैबिट, पिजन, स्पैरो एंड क्रो, राइट? पैरट, रैबिट, पिजन, स्पैरो एंड अ क्रो। अब इस लाइन में हम किसको सर्कल करेंगे? कैन यू गेस? आप बता सकते हो हम किसको सर्कल करेंगे इसमें? यस, वी विल सर्कल द रैबिट। व्हाई? बिकॉज हम सर्कल क्यों करेंगे रैबिट को? बिकॉज पैरट इज अ बर्ड, पिजन इज अ बर्ड, स्पैरो इज अ बर्ड एंड क्रो इज अ बर्ड, राइट? सो सारे बर्ड्स हैं और बर्ड्स में अकेला रैबिट एनिमल है, सो वी सर्कल रैबिट। नंबर फाइव, डिड यू गेट इट? नंबर फोर समझ में आ गया आपको? बर्ड्स के बीच में एनिमल को सर्कल कर दिया। नाउ नंबर फाइव, फाइव में क्या है? वी हैव अ शर्ट, पैंट, बुक, टाई, सॉक्स। सो व्हाट डू वी सर्कल हियर? हम इसमें से क्या सर्कल करेंगे? वी विल सर्कल द बुक। व्हाई? बिकॉज बुक को क्यों सर्कल किया हमने? बिकॉज शर्ट बॉडी पे पहनते हैं, पैंट बॉडी पे पहनते हैं, टाई बॉडी पे पहनते हैं, सॉक्स बॉडी पे पहनते हैं, इजंट इट? शर्ट को कहाँ पहनते हैं हम? अपने बॉडी पे। पैंट को पैर में, इजंट इट? टाई को गले में, सॉक्स को फीट पे। सो ये सारी चीज़ें बॉडी पार्ट्स पे पहनने वाली है, और बुक क्या है? बुक तो बॉडी पार्ट पे नहीं पहन सकते, सो वी सर्कल द बुक। नंबर सिक्स, वी हैव, समझ में आ गया ना? नंबर फाइव आपको समझ में आ गया? नाउ नंबर सिक्स, वी हैव कैबेज, बनाना, टमेटो, ब्रिंजॉल एंड लेडी फिंगर। इट इज ऑल्सो नोन एज ओकरा। जैसे हम ब्रिंजॉल को एग प्लांट भी बोल सकते हैं, वैसे ही हम लेडी फिंगर को ओकरा भी बोलते हैं, राइट? सो वी हैव कैबेज, बनाना, टमेटो, ब्रिंजॉल एंड लेडी फिंगर। सो ये पूरी वेजिटेबल्स की लाइन है ना? वी हैव ऑल वेजिटेबल्स ओवर हियर, बट इसमें से बनाना क्या है? बनाना इज अ फ्रूट, सो वी सर्कल बनाना। फर्स्ट वाले में क्या था? सारे फ्रूट्स थे, ब्रिंजॉल वॉज वेजिटेबल। एंड सिक्स नंबर पे क्या है? सारे वेजिटेबल्स हैं एंड वी हैव बनाना विच इज अ फ्रूट। गॉट इट? ओके। नंबर सेवन, नंबर सेवन में क्या है? वी हैव केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, पेंसिल एंड आइसक्रीम। सो व्हाट डू वी हैव? केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, पेंसिल एंड आइसक्रीम। सो व्हाट डू वी सर्कल? ऑफ कोर्स वी सर्कल पेंसिल। व्हाई? बिकॉज केक इज स्वीट, पेस्ट्री इज स्वीट, चॉकलेट इज स्वीट, आइसक्रीम इज स्वीट, बट पेंसिल को हम खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते ना। सो सेवन नंबर में सारी चीज़ें खाने वाली है, बट पेंसिल हम नहीं खा सकते, सो वी सर्कल पेंसिल। गॉट इट? नंबर एट, वी हैव बॉल, आइसक्रीम, कॉर्क, बैट एंड टेनिस रैकेट या बैडमिंटन। सो व्हाट डू वी सर्कल? वी सर्कल आइसक्रीम। व्हाई? बिकॉज क्यों बताओ? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि सारी चीजें खेलने वाली है, राइट? बट आइसक्रीम को तो हम खेलते नहीं है, वी हम खाते हैं आइसक्रीम को, इजंट इट? सो बैट के साथ बॉल खेलते हैं ना हम, बैट के साथ, बैडमिंटन के साथ हम कॉर्क यूज करते हैं, बट आइसक्रीम खाते हैं ना, सो वी सर्कल आइसक्रीम। नंबर नाइन,
ओके नाउ टर्न द पेज पेज नंबर 20 वी कम टू पेज नंबर 20 राइट इसमें भी क्या करना है हम लोग अभी तक उस वाले पे इसमें हमने क्या किया व्हाट डिड वी डू वी हैड सर्कल्ड राइट बट हियर व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू क्रॉस इसमें हमें क्रॉस करना है ऑड जो भी ऑड पिक्चर है उसको नाउ सी नंबर वन में क्या है सारे पिक्चर्स के अंदर अब जब देखोगे तो बॉल जो है वो पिक्चर के अंदर है राइट दिस इज लाइक एन एनवेलप इसके अंदर बॉल है ये भी एनवेलप के जैसे इसके अंदर बॉल है इसके अंदर बॉल है क्या नहीं ना इसका बॉल बाहर है एंड दिस इज लाइक अ टिक मार्क इसके भी अंदर ही बॉल है सो इन दिस पिक्चर पिक्चर नंबर वन में क्या हो रहा है देयर आर बॉल्स इनसाइड द पिक्चर बट जो पिक्चर नंबर सी है इसमें बॉल जो है वो पिक्चर के बाहर है इजंट इट सो व्हाट डू वी क्रॉस पिक्चर नंबर सी बिकॉज दिस इज द ऑड पिक्चर गॉट इट नाउ लुक एट पिक्चर नंबर टू पिक्चर नंबर टू में दिस इज एबकस राइट एबकस में कितने गोली है गोलियां गिनो 1 2 3 4 5 ए में वी हैव 5 बॉल्स देन पिक्चर नंबर बी 1 2 3 4 5 वी हैव 5 बॉल्स पिक्चर नंबर सी 1 2 3 4 5 वी हैव 5 बॉल्स राइट नाउ पिक्चर नंबर डी वी हैव 1 2 3 4 5 6 सो ये इन तीनों पिक्चर्स में वी हैव 5 बॉल्स बट लास्ट वाले पिक्चर में वी हैव 6 बॉल्स सो वी क्रॉस पिक्चर नंबर डी समझ में आ गया 5 बॉल्स तीनों पिक्चर में और ये लास्ट पिक्चर में वी हैव 6 बॉल्स सो वी क्रॉस पिक्चर नंबर सी डी वी क्रॉस पिक्चर नंबर डी नाउ नंबर थ्री में क्या है दिस इज अ रेक्टेंगल रेक्टेंगल के अंदर सर्कल देन वी हैव सर्कल सर्कल के अंदर ट्राइंगल देन सी नंबर में अगेन रेक्टेंगल रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल एंड डी में ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल के अंदर छोटा ट्राइंगल सो इन अ तीनों पिक्चर्स में व्हाट डू वी सी बी सी एंड डी तीनों में ट्राइंगल है ना बट ए में क्या है वी हैव अ सर्कल इजंट इट सो दिस इज द ऑड पिक्चर सो वी क्रॉस पिक्चर नंबर ए गॉट इट समझ में आया बी सी एंड डी इज ट्राइंगल बट ए इज अ सर्कल ट्राइंगल की लाइन में सर्कल आ गया इसीलिए वी क्रॉस ए गॉट इट नाउ नंबर फोर इस वाले पिक्चर में बहुत ध्यान से देखना बहुत ध्यान देने की जरूरत है वाई बिकॉज सी पिक्चर नंबर ए में क्या हो रहा है एन एरो इज गेटिंग इनसाइड द ट्राइंगल एरो जो है ट्राइंगल के अंदर आ रहा है और ये लाइन जो है मैच स्टिक इजंट इट मैचेस के जैसे दिख रही है ना ये लाइन मैच स्टिक के जैसे जो लाइन है वो बाहर जा रही है राइट पिक्चर नंबर बी में भी ऐसे ही हो रहा है ना एरो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है और मैच स्टिक बाहर जा रही है पिक्चर नंबर सी में भी ऐसा ही है एरो अंदर जा रहा है और मैच स्टिक बाहर आ रही है राइट बट पिक्चर नंबर डी में क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है मैच स्टिक अंदर आ रहा है और एरो बाहर जा रहा है राइट सो पिक्चर नंबर ए बी और सी में क्या हो रहा है एरो ट्राइंगल के अंदर जा रहा है और मैच स्टिक ट्राइंगल से बाहर आ रहा है बट पिक्चर नंबर डी में ऑपोजिट हो रहा है उल्टा हो रहा है सो वी क्रॉस पिक्चर नंबर डी गॉट इट नाउ पिक्चर नंबर फाइव व्हाट इज देयर पिक्चर नंबर फाइव में क्या है वी हैव ए बी सी एंड डी अब इसमें ए बी सी और डी में क्या है देखो और एल्स व्हाट वी कैन डू इज आज हमने फोर पिक्चर्स किए ना 1 2 3 एंड 4 बाकी बचे हुए 4 पिक्चर्स हम कल करेंगे ठीक है
इज इट फाइन? बाकी बचे हुए पिक्चर्स हम कल कर सकते हैं ना, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इज इट फाइन? तो बाकी बचे हुए पिक्चर्स हम कल करेंगे।